दोस्तों सब्सक्राइब करें सुपर हीरो टॉक्स को और इस बेल आइकन को दबाएं सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट दे देना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम बताने वाले हैं कि कैसे ग्रूट ने स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया था। तो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों ने शायद मूवी नहीं देखी होगी, पर अगर आप एक सच्चे मार्वल फैन हैं तो आपने मूवी देख ही ली होगी, पर अगर फिर भी आपने मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो कहीं नहीं भाग रही है, एड टू वॉच लेटर करो और बाद में देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद बहुत लोगों के मन में ये डाउट आया कि आखिर ग्रूट ने स्टॉर्म ब्रेकर को उसका हैंडल देने के लिए उठा कैसे लिया। तो पहले हम इसके पूरे सिनेरियो के बारे में बात करेंगे कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि जो थोर का नया हथियार स्टॉर्म ब्रेकर बनने के बाद जो एत्री था वो उसके लिए एक हैंडल ढूंढने चला गया, जो कि उसे नहीं मिल रहा था। फिर ग्रूट ने अपना हाथ से उसे पकड़ा, उठाया और फिर अपना वो हाथ तोड़ दिया। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि आखिर उसने उसे उठा कैसे लिया। तो बहुत लोगों ने कहा कि उसने उसे इसलिए उठा लिया क्योंकि ओडिन ने म्योनीर के ऊपर कुछ चैंट एनहेंसमेंट की थी, जिसके बाद कोई उसे नहीं उठा पा रहा था, बट वहीं स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर किसी ने भी वो चैंट नहीं की थी। तो फिर अगर आपको लगता है कि यही कारण है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही सुन चुके हैं थोर को ऐसा कहते हुए स्टार लॉर्ड को, तुम लोग उसे नहीं उठा सकते, यानी कि तुम उसके लायक नहीं होगे, यानी कि जो भी हथियार वो बनाते हैं ड्वार्फ्स उन्हें उठाने के लिए वर्दी होना ज़रूरी होता है। तो फिर यहाँ पे निकलता है कि आखिर ग्रूट ने उसे कैसे उठा लिया। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लेकिन उस सिंपल सा आंसर को भी समझने के लिए हमें थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो अगर आपको याद होगा तो थॉर 1 में और हम कॉमिक्स में भी ऐसा देख चुके हैं कि जो 9 रियलम्स हैं उनके ऊपर एसगार्ड के रूल्स काम करते हैं, लेकिन हाँ उनके बाहर ये रूल्स काम नहीं करेंगे। 9 रियलम्स को आप एक सोलर सिस्टम जैसा मान लीजिए, जैसा कि हमारा सोलर सिस्टम है, और जो एसगार्ड है वो उनका मिड पॉइंट है, जैसे कि हमारे पास सूरज है। तो जो हमारे सूरज की जो रूल्स हैं, यानी कि उनके जो एसगार्ड के रूल्स हैं, वो बस उन 9 प्लैनेट्स यानी 9 रियलम्स तक ही काम करेंगे, उसके आगे वो काम नहीं करेंगे। तो ग्रूट जो है वो कोई भी 9 रियलम का क्रिएचर नहीं है, और वो दूसरे ही रियलम से है, मतलब 9 रियलम में से नहीं है, वो किसी और ही प्लैनेट से आया है। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि जैसे कि हमारे गैलेक्सी में सिर्फ सोलर सिस्टम तो है नहीं, और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वैसा ही मार्वल यूनिवर्स में है, बस 9 रियलम्स नहीं है और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो ग्रूट किसी और प्लैनेट का है, इसीलिए वो आसानी से उठा पाया था स्टॉर्म ब्रेकर को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर दे सब्सक्राइब।